कि बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जो छात्र जुटे हैं वो अब तक ये नहीं समझ पा रहे कि आगे क्या होना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हालांकि कह चुके हैं कि इस बार कई बदलावों से छात्रों को राहत मिलेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया। आपको बता दें, देश के शिक्षा मंत्री और सभी राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई है कि आपकी बोर्ड की परीक्षाओं किस तरीके से आयोजित की जाए, क्योंकि कोरोना का लहर फिर से भारत में तेजी से मंडराने लगा। उन सभी बातों को देखते सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, सरकार ने सभी राज्यों को लगभग टाइम टेबल जारी कर दिया और बोर्ड परीक्षा का ऐलान भी कर दिया कि समय पर करवाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, कोरोना का कहर फरवरी मार्च के भीतर काफी तेजी से आने वाला है, ये WHO ने बताई है। लेकिन दोस्तों, सरकार का कहना है कि जो आपकी बोर्ड की परीक्षा है वो समय पर ही करवाया जाएगा, लेकिन कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए आपकी परीक्षा को आयोजित कराया जाएगा। परीक्षा में आपके हाथ में सैनिटाइजर, आपके मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों सरकार ये नहीं चाहती कि भारत के किसी भी विद्यार्थी के साथ भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ किसी तरीके से ना हो, उनकी परीक्षा को करने की पूरी तैयारी कर दी जाए। और सरकार की ये भी कहना है, पिछले 3 साल से आपकी बोर्ड की परीक्षा सही से नहीं ली जा रही है, लेकिन सरकार ने ये भी कहा कि इस बार आपकी बोर्ड की परीक्षा सही और समय पर ली जाएगी। लेकिन दोस्तों, कई सारे ऐसे विद्यार्थियों का कहना है कि जो हमारी जो परीक्षा है फरवरी और मार्च में होने वाली है उसको अप्रैल और मई में कर दी जाए। ये मांग सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थी तेजी से कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? बोर्ड परीक्षा समय पर ही होना चाहिए या जो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं उस समय पर होना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन जरूर दबा दें, ताकि बोर्ड परीक्षा 2023 से जुड़ी कोई भी अपडेट निकल कर आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुंच जाएगी।